हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है नूरामी सरकार और आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेशन जो कि बेस्ड है 12 जनवरी 2020 के ऊपर। हम देख लेंगे इस दिन के ऊपर बेस करके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो उससे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो दिन है 12 जनवरी, ये स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है और इसी दिन हम पूरे इंडिया में मनाते हैं युवा डे। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वर्ल्ड के कंस्ट्रक्ट हुए हैं कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो चेनब ब्रिज जो कि एक रेलवे स्टील एंड कॉन्क्रीट आर्क ब्रिज है और ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है बिटवीन बक्काल एंड कौड़ी जो कि रायजी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बनाया जा रहा है चेनब रिवर के ऊपर और ये वर्ल्ड के हाइस्ट रेलवे ब्रिज बने हैं जो जिसका हाइट है यहाँ पे 359 मीटर यानी कि 1178 फीट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेट यहाँ पे लॉन्च किए हैं अम्मा वोदी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बीपीएल मदर्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उन माओं को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो कि बीपीएल होगा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करेगा और साथ में उनके चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे किसी स्टेट का गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम चालू किया है जिसका नाम है अम्मा वोदी। तो वो कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है वो भी ₹6,318 करोड़ का एक स्कीम जिसका नाम है अम्मा वोदी और ये बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बिलोंग करते हैं मदर्स जिनको यहाँ पे एडुकेट चिल्ड्रन को एडुकेट बनाने के लिए यहाँ पे इस स्कीम को चालू किए हैं और ये स्टेट प्रोवाइड करने वाले हैं फिनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 15,000 यानी कि हर साल 15,000 रुपीज़ हर एक माओ को दिया जाएगा जो कि यहाँ पे बीपीएल होगा, ठीक है। और ये मदर्स जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के माओ को ही सिर्फ दिया जाएगा, जो स्कूल नहीं जाते जो बच्चे उनके माओ को यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कोर्ट यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा दिया, वो भी एनसीएलटी का जो ऑर्डर था पुनर्बहाल रखने की, वो भी साइरस मिस्त्री को एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, स्टे ऑर्डर लगाया है, वो भी एनसीएलटी का जो ऑर्डर था रीइंस्टेटिंग साइरस मिस्त्री एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स और ये मिस्त्री के पास कोर्ट ने ऑलरेडी इशू किया है एक नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो कौन सी दिन में? तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी, जो कि 10 जनवरी में वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस जो था वो ऑर्गेनाइज किए गए थे महाराष्ट्र की नागपुर में जो कि जनवरी 10, 1976 में यानी कि 1976 के साल में 10 जनवरी में यहाँ पे नागपुर में ऑर्गेनाइज किए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि नीचे ऑप्शन में जो चार सिटी का नाम है इसमें से कौन सी सिटी में यहाँ पे कौन सी सिटी यहाँ पे होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल नोवल प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया है मिलन टू बी हेल्ड इन मार्च 2020। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। तो इंटरनेशनल नोवल प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे मिलन जो कि यहाँ पे होने वाला है विशाखापत्तनम में, वो भी 2020 के मार्च में यानी कि 2020 के मार्च में, ठीक है। और ये जो मिलन 2020 यानी कि 2020 है ये एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है ऑफ द इंडियन नेवी और इसका जो गोल है, मेन एम है, वो क्या है? इज टू इंक्रीज प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेवीज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेंथ। और ये पहले भी विशाखापत्तनम ने यहां पे ऑर्गेनाइज किए थे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि 2016 में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि कौन या इनमें से यानी कि ऑप्शन में चार लोगों का नाम है, इनमें से कौन यहाँ पे रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया के रूप में। तो क्रोएशिया के नया प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोरान मिलानोविक। तो जोरान मिलानोविक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था क्रोएशिया का और वही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे बनाया गया है प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के जो रिजल्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 9 जनवरी 2020 में इनको यहां पे इलेक्टेड किए गए हैं वो भी प्रेसिडेंट के रूप में क्रोएशिया के। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन ऑरिजिन का एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है जिनको यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं शिकागो की जज के रूप में। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, समिया नसीम। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर का एक लड़की जो कि समिया नसीम इंडियन ऑरिजिन है और इनको यहाँ पे अपॉइंटेड किए गए हैं एज जज ऑफ शिकागो और ये बहुत जल्द ये चार्ज लेने वाली है और साथ में ये यूएस अटॉर्नी जनरल विलियम बर्ड जो कि यहाँ पे अपॉइंट किए हैं इस शिकागो की जज के रूप में समिया नसीम को।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि सेंसस इंडिया 2021 ये कब शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल। तो सेंसस इंडिया 2021 जो कि शुरू हो रहा है 2020 के 1 अप्रैल में और ये खत्म होगा 30 सितंबर 2020 में। और ये जो सेंसस कंडक्ट किया जाएगा मोबाइल ऐप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेपर का जो ट्रेडिशन है उससे हटकर यहाँ पे नया एक मूव लिए गए हैं जो कि है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट करना, वो भी सेंसस को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि ब्रिटेन ऑफिशियली शेड्यूल्ड किए है वो भी यूरोपियन यूनियन को लीव करना, तो ये कब होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जनवरी। तो यूके का जो एमपीज है वो फाइनली अप्रूव किए हैं यहाँ पे ब्रेक्सिट डील जो कि जनवरी 9 में 2020 के बाय 330-231 वोट्स और पेविंग द वे फॉर ब्रिटेन स्मूथ एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31। तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया है 24/7 और ये कंट्रोल रूम बनाया है मॉनिटर करने के लिए ब्लैक मनी को, तो ये कौन सी स्टेट ने या फिर यूनियन टेरिटरी ने, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो दिल्ली ने यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये लॉन्च किया है 24/7 कंट्रोल रूम जो कि मॉनिटर करने वाले हैं ब्लैक मनी को, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट लॉन्च किया है एक टोल फ्री नंबर जो नंबर है 1800-117574 और यहाँ पे इसी नंबर पे फोन करके पब्लिक कहीं से भी बता सकते हैं फोन करके कि डिपार्टमेंट में कहीं पे भी ये जो मनी पावर है उसका मिसयूज होता है कि नहीं। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो है हमारे पास 2 क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा देश यहाँ पे डेवलप किया है एक लेजरविस्ट एरियल डिफेंस सिस्टम को, तो आपका इसमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी इसराइल, ऑप्शन डी टर्की। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोला जाए, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके होमवर्क है वो है कौन सा सिटी यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसको, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मस्को, ऑप्शन सी बर्मिंगहम और ऑप्शन डी कोलंबो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।